नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। इस सीरीज़ में हम सॉल्व कर रहे हैं लेट अस सी बुक की प्रॉब्लम्स, और अब तक पिछली वीडियोस में हम सॉल्व कर चुके हैं चैप्टर 4 तक की प्रॉब्लम्स। इससे लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व करी थी चैप्टर 5 की सेक्शन ए की प्रॉब्लम, और इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 5 की सेक्शन बी की प्रॉब्लम्स। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ये चैप्टर जो है वो लूप्स पर बेस्ड है, तो हमें सारे प्रोग्राम ये लूप्स का इस्तेमाल करके लिखने हैं। आइए पहले प्रॉब्लम समझते हैं। हमें 10 एम्प्लॉयज़ का ओवरटाइम कैलकुलेट करना है, और ओवरटाइम कैलकुलेट करने का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला ये है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय ने 40 घंटे से ज़्यादा काम किया है तो हर एक घंटे के उसको 12 रुपये का ओवरटाइम मिलेगा। तो सपोज़ अगर किसी ने 41 घंटे काम किया है तो उसको एक घंटे के 12 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसी तरह अगर किसी ने समझिए 50 घंटे काम किया है तो उसको 10 घंटे का पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 10 घंटे इंटू 12 रुपये प्रति घंटे, यानी कि 120 रुपये उसको एक्स्ट्रा ओवरटाइम मिलेगा। अब दोस्तों इसमें मेन बात यही है कि हम एक एम्प्लॉय के लिए तो हमने निकालना पहले ही वीडियोस में हम सीख चुके हैं कि किस तरह से हम फार्मूलाज लिखते हैं। इस वीडियो में मेन बात यह है कि वही फार्मूला हमें 10 बार चलाना है, यानी कि हमें लूप का इस्तेमाल करके उसी फार्मूले को 10 बार एग्जीक्यूट करना है ताकि हम 10 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का ओवरटाइम कैलकुलेट कर सकें। और हमें उसी लूप के अंदर यूज़र से इनपुट लेना है कि इस एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया, और उसके बेसिस पे उस एम्प्लॉय का ओवरटाइम हमें डिस्प्ले कर देना है। उसके बाद फिर हमारा लूप चलेगा और फिर से हमें यही काम करना है। तो चलिए इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं। तो दोस्तों प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहले हम प्रोग्राम को समझेंगे, फिर हम डिबग करके देखेंगे कि लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए सबसे पहले मैंने इसमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, इंट आई, आवर एंड एक्स्ट्रा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, जो कि हमें बताएगा कि कितने एक्स्ट्रा रुपए बनते हैं एम्प्लॉय के। अब देखिए सबसे पहले हमारा शुरू होता है लूप। ये लूप हमें 10 बार चलाना है क्योंकि हमें 10 एम्प्लॉयज़ के लिए एक्स्ट्रा ओवरटाइम कैलकुलेट करना है। तो हमने लूप को इनिशलाइज कैसे किया इस बात पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था आई, उस आई को हमने इनिशलाइज कर दिया 1 से। आपको पता है फॉर लूप के 3 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये इस सेमी कॉलन से पहले, दूसरा पार्ट ये इस सेमी कॉलन से पहले, और तीसरा पार्ट ये। तो पहले पार्ट में हम कोई भी इनिशलाइजेशन करते हैं लूप का, तो यहाँ पे हमने i इज इक्वल टू 1 करके इस वेरिएबल को इनिशलाइज कर दिया। सेकंड पार्ट में हम बताते हैं कि ये लूप कब तक चलेगा, वो कंडीशन हम देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन दी है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलेगा। और तीसरे पार्ट में हम बताते हैं कि जब एक बार ये लूप चल जाए तो उसके बाद ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं इस लूप में हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने आई को 1 से इनिशलाइज कर दिया, उसके बाद हमने कहा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा। और कंडीशन क्या है हमारी, कि जब तक आई हमारा 10 से छोटा है या इक्वल है तब तक ये लूप चलेगा। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हमने बताया कि जितनी बार भी लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाए आप आई की वैल्यू 1 बार बढ़ा दीजिए। तो अब आई 1 से स्टार्ट होकर कब तक चलेगा, आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3, और इस तरह से करते करते जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक लूप चलता रहेगा 10 तक। उसके बाद जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी हमारा लूप रुक जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो बीच में दी हुई है ये फॉल्स हो जाएगी। तो इस बात को आप समझ गए कि जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तब तक लूप चलता है। चलिए अब हमने लूप में किया क्या, दोस्तों लूप में हमें कुछ नहीं करना है, जो हमें एक एम्प्लॉय के लिए करना था बस वही काम जो है 10 बार लूप में होता रहेगा। अब हमें एक एम्प्लॉय के लिए क्या करना था, एक एम्प्लॉय के लिए सिंपली हमें ये निकालना था कि उसने 40 घंटे से ऊपर कितना काम किया है, और उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 12 रुपये हमें एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम देना है। तो सबसे पहले हमने यूज़र से कहा कि वो डाले कि एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया है, और इसको हमने एक वेरिएबल में सेव करवा लिया जिसको हमने ऊपर डिक्लेयर किया था यूजिंग scanf। उसके बाद हमने कहा कि अगर r इज़ ग्रेटर देन 40, इसका मतलब है
कि अगर एम्प्लॉय ने 40 घंटे से ऊपर काम किया है सिर्फ उसी कंडीशन में उसको ओवरटाइम मिलेगा, वरना उसको कोई ओवरटाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये हमने इफ पार्ट में ही लिखा कि अगर 40 घंटे से ऊपर उसने काम किया है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि उसने कितना एक्स्ट्रा काम किया है, तो हम आवर में से 40 घटा देंगे, क्योंकि आर क्या है, कितने घंटे उसने काम किया, तो 40 घंटे के ऊपर कितना काम किया उसने, 40 घटा दिया उसमें से। तो सपोज अगर यूजर ने 50 एंटर किया तो 50 में 40 घटा दिया, 10 आर आ गया, क्योंकि उसने 10 आर एक्स्ट्रा काम किया है 40 घंटे के ऊपर, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था कि हर घंटे के एम्प्लॉय को 12 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। और उसके बाद बस हमने प्रिंट करवा दिया इसी बात को कि ओवर टाइम एम्प्लॉय कितना होगा जो भी ये कैलकुलेट हो गया एक्स्ट्रा में। और एल्स पार्ट में हमने क्या किया कि अगर एम्प्लॉई ने 40 घंटे से ज़्यादा काम नहीं किया है, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो हम प्रिंट करवा देंगे कि एम्प्लॉई ने कोई भी ओवरटाइम नहीं किया है। और यहाँ पर उसके बाद ये लूप आप ये देखिए, ये लूप यहाँ पे हाईलाइट हो गया, ये आपका लूप का पार्ट है। तो यही चीज़ ये पूरी चीज़ 10 बार आपकी एग्जीक्यूट होगी जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, अब हम इसको डिबग करके देखते हैं कि किस तरह से लूप चलता है। अब देखिए इसको मैं डिबग आपके सामने करता हूँ। हमने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया है और उसके बाद डिबगर स्टार्ट कर दिया है। जैसे हमने डिबगर स्टार्ट किया, ये हमें सारे लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू दिखाई देने लगी। अभी आप देख सकते हैं कि हमने 3 लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, आई आर एंड एक्स्ट्रा, वो तीनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि इनकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस समय इनमें एक रैंडम वैल्यू स्टोर हो रखी है, क्योंकि अभी हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी। अब देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ कैसे चेंज होंगी। देखिए अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ा और एक एक स्टेप करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो इस वक्त कंट्रोल जो है वो लाइन नंबर 7 पे आ गया है, इसलिए लाइन नंबर 7 के आसपास ये देखिए ग्रीन लाइन बनी हुई है। मैं स्टेप ओवर करूँगा तो लाइन नंबर 8 पे आ गया, अब लाइन नंबर 9 पे आ गया, और अब ये हमसे जो है मांग रहा है कि हम एंटर करें इसमें नंबर ऑफ आर ऑफ एम्प्लॉय। तो हमने एंटर कर दिया सपोज 10। अब इस वक्त ध्यान दीजिए आई की वैल्यू हमारी 1 हो चुकी है, और जैसे ही मैंने एंटर किया हमारी आर की वैल्यू भी 10 हो गई। क्यों? आई की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 इनिशियलाइज करी थी, तो इसलिए आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। और स्कैन एफ में मैंने यहाँ पे 10 एंटर किया, तो इसलिए आवर में 10 स्टोर हो चुका है। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, सीधे कंट्रोल आप देख सकते हैं इस वाले इफ कंडीशन में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि आर जो है वो 40 से लेस है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए एल्स में आ गया। और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि एम्प्लॉय ने जो है कोई भी ओवरटाइम नहीं किया है। तो देखिए स्टेप ओवर करने पे ये प्रिंट हो गया। अब देखिए दोबारा लूप जो है, दोबारा से कंट्रोल जो है लाइन नंबर 5 पे आ गया, यानी कि अभी लूप दोबारा चलेगा। अब क्या हुआ जब मैं आगे बढ़ा, अभी आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब जब मैं आगे चला तो तुरंत आई की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिख रखा है। और ये वाली कंडीशन क्योंकि ट्रू है, आई अभी 10 से छोटा है, तो इसलिए दोबारा से लूप के अंदर हम आ गए। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, हमसे कहा गया है कि एंटर करें, तो इस बार हमने 20 एंटर करके देखा और उसके बाद हमने एंटर कर दिया। तो अब देखिए जैसे ही मैंने 20 यहाँ पे एंटर किया, आर की वैल्यू 20 हो गई और आई की वैल्यू हमारी 3 हो चुकी है। और इस बार भी एक्स्ट्रा में हमारा अभी भी रैंडम ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ये वाली लाइन अभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, क्योंकि ये कंडीशन अभी ट्रू नहीं हुई है। ठीक है, इसको दोबारा से चलाते हैं, फिर से मुझसे मांग रहा है, तो मैंने इस बार 40 डाला। देखिए 40 डालने पर आर में 40 स्टोर हो गया है और एक्स्ट्रा में अभी भी रैंडम वैल्यू पड़ी है, क्योंकि ये वाली लाइन अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अब इस बार मैं डालता हूँ 50। अब देखिए 50 डालने पे क्या होता है, आवर में 50 स्टोर हो गया और एक्स्ट्रा की वैल्यू अब 120 हो चुकी है हमारी, क्योंकि ये हमारा एग्जीक्यूट हुई है इस बार लाइन। ठीक है, अब मैंने इस बार 60 डाला, मैं यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ ताकि मैं दिखा पाऊँ कि किस तरह से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब देखिए 60 डालने पर क्या हुआ, यहाँ पर आए, लाइन नंबर 11 पर आए,
अभी चेक कर रहा है कि क्या जो हमने आर डाला है वो 40 से बड़ा है, तो आर के लिए हमारी 60 है अभी और 60 हमारा 40 से बड़ा है, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गई। और ट्रू होने की वजह से ये आप देखिए इस लूप इस इफ कंडीशन के अंदर एंटर करेगा। ये देखिए ये अंदर एंटर किया, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नई वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो देखिए एक्स्ट्रा की वैल्यू इस बार 240 हो गई, क्योंकि 20 घंटे एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा काम किया है, उसके बाद हमारा ये प्रिंट हो गया। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही 10 बार एग्जीक्यूट हुआ हमारा लूप ये एग्जिट हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। धन्यवाद।